हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट विद झूमा। इंद्रलोक मार्केट का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि थर्सडे के दिन ये मार्केट इंद्रलोक में लगती है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का इंद्रलोक का ही रहेगा और गेट नंबर 5 और 3 से आप एग्जिट कर सकती हैं। गेट नंबर 5 से बिल्कुल सटकर ही ये मार्केट लगनी स्टार्ट हो जाती है। गेट नंबर 5 से जैसे ही आप एग्जिट करती हैं तो आपको मिलता है सर्विस रोड। तो सर्विस रोड पर ही ना एक नंबर गली को छोड़कर आपको सेकंड नंबर गली में एंटर करना है, जो कि बिल्कुल जाकर एंड हो जाती है डिस्पेंसरी वाली गली में। तो उसी गली का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। ये भैया यहाँ पर 100 रुपीज़ के प्राइस पर इस टाइप की इयरिंग सेल आउट कर रहे थे, ठीक है, जो कि फंक्शंस के लिए रहेगा मेहंदी के। और ये वाले नेक पीसेज आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले हैं 100 रुपीज़ के प्राइस पे। और ये वाले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको 50-80 रुपीज़ की रेंज पर मिक्स वैरायटी रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है। आपको अगर झुमका वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और फैंसी में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। ये बीड्स वाली भी आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ के प्राइस पर मिलने वाली है। इन्हीं भैया के पास ना नेक पीसेज भी अभी आपको मैं दिखाऊँगी, काफ़ी अच्छी अच्छी रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के प्राइस पर रहेगा नेक पीसेज के सारे कलेक्शन। भैया जी के पास ना पार्टी वेयर के रहने वाले हैं, जो कि आप किसी भी ओकेजन वगैरह में यूज़ कर सकती ही हैं। तो ये देखिए, ये इयरिंग्स भी बहुत सुंदर थी, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है 50 रुपीज़ के प्राइस पर। और इस टाइप के ना ये पर्सेस थे भैया के पास, पर्स नहीं, ये पाउच रहेगा जो कि पूरा प्रॉपर बीड्स से बना हुआ है। 350 रुपीज़ इसकी प्राइस रहने वाले है। ये रहेगा रेक्टेंगल शेप में, और एक मैं आपको दिखाऊंगी स्क्वायर शेप का भी, 350 का रहेगा। ये देखिए पूरा का पूरा ना ये बीड्स ना बना हुआ है, हैंडक्राफ्ट का ये आर्टिकल रहेगा। और ये देखिए, ये स्क्वायर शेप में है, उसको रेक्टेंगल शेप में बनाया गया था और इसको स्क्वायर शेप में, ठीक है। और प्राइस बिल्कुल दोनों का सेम ही रहने वाला है, वाइट पर्ल्स के साथ इसको बनाया गया है। इस टाइप की हेयर एसेसरीज भी आपको भैया के पास है ना 100 रुपीज़ की रेंज पर मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का प्राइस रहने वाला है। ये वाला एक पैटर्न था, डिज़ाइन था भैया के पास। ये नेक पीसेज आपको 100 का मिलेगा। इसमें भी ना आपको 3 साइज़ मिल जाता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये देखिए मीडियम साइज़ का रहेगा, और ये देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, इसमें आपको स्मॉल साइज़ का ना मिल जाता है। और ये इयरिंग्स भी आपको 100 रुपीज़ के प्राइस पर ही मिलने वाला है। यहाँ पर इनके पास क्लेचर्स थे इस टाइप के, ब्रेसलेट थे यहाँ पर, और ये आपको ना ये नेक पीसेज आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के प्राइस पर मिलेगा। अब मैंने जितने भी कलेक्शन आपके साथ शेयर किए ना, मोस्टली इनके पास 100 रुपीज़ के वाले ही कलेक्शन रहने वाले हैं। तो ये देखिए, इन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी रख रखी थी ना अपने आर्टिकल्स की, बहुत ज़्यादा, और एक से बढ़कर एक कलेक्शन इनके रहने वाले थे। इनके पास सिंपल सोवर भी था और थोड़ा फैंसी वाले में भी अट्रैक्टिव नेक पीसेज भी थे इनके पास, ठीक है जी। तो ये भी 100 रुपीज़ का ही रहेगा। ये वाला एक पैटर्न था, एक पैटर्न ये वाला भी रहने वाला है इनके पास। इनकी शॉप भले ही छोटी थी मगर आर्टिकल्स बहुत प्यारे प्यारे थे। फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर डिस्पेंसरी वाली गली में, ठीक है। यहाँ पर भी है ना 100 रुपीज़ का कोई भी 2 स्कर्ट यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और मैं अगर कहूँ तो 3 साल से लेकर ना ये 8 साल तक की गर्ल्स को आने वाले कलेक्शन थे इनके पास, बस थोड़ा सा आपको ना छाटना पड़ेगा। ये देखिए, ये 3 ईयर्स की गर्ल्स को आ सकता है। जितने भी स्कर्ट मैंने आपके साथ शेयर किए, ये पूरा का पूरा कलेक्शन प्योर कॉटन का रहने वाला था, और जॉर्जेट वाले कॉटन में भी आपको ना मिल जाता है। और डबल लेयर थी इसमें फैब्रिक की ना, डबल लेयर यूज़ की गई थी, और काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक था। जैसे कि मैंने बताया, कॉटन का, जॉर्जेट कॉटन का रहेगा, मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में 2 पीस। तो ये सारे कलर ऑप्शन देखिए मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ दिखाया है, क्योंकि जो कि कलेक्शन थे ना भैया के पास वो बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मोस्टली जब मुझे ऐसा कुछ कलेक्शन दिखता है ना, तो मेरे माइंड से ना ये चीज़ स्किप हो जाती है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मुझे लगता है कि मैं आपको सारी कलर ऑप्शन वैरायटी वगैरह एक ही वीडियो में दिखा दूँ, ठीक है। इन्हीं भैया के बिल्कुल पास में है ये वाले भैया, जो कि ये ना लोअर यहाँ पर सेल आउट कर रहे थे, और इनके पास थी ये वाली टी शर्टें। टी शर्ट जो रहेंगी वो आपको ना 150 का मिलेगा, और मैं क्वालिटी बोलूँ बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का ना यहाँ पर रहने वाला था। और यहाँ पर हमेशा ना कहीं कहीं पर हो सकता है बाई चांस की मिस्टेकली या फिर कुछ आर्टिकल सही ना हो, बट मोस्टली इंद्रलोक में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ब्रांडेड चीज़ें सस्ते दामों पर ना मिले। बहुत ही कॉपी होती है, बिल्कुल प्रॉपर ब्रांडेड नहीं होती है, बट ये जैसे कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, उस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं यहाँ पर इस मार्केट में, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये आपको 200 रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। इसका फैब्रिक आप देख लीजिए, बहुत अच्छा वाला रहने वाला है, जिससे कि आप इसे कह सकते हैं स्पोर्ट वाला फैब्रिक होता है ना, स्ट्रेचबल, उसी फैब्रिक में था भैया के पास। ये एक पैटर्न था, और एक पैटर्न देखिए इस टाइप का रहेगा, जैसा होता है ना ये 3 वाइट कलर की लाइनिंग होती है इसमें, ठीक है। ये कुछ एडिडास के ब्रांड को ना शो करता है, ठीक है। ये देखिए, ये सारा आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ की प्राइस पर। अब है यहाँ पर दुपट्टे वाले भैया, जो कि तारिक भैया है, 100 रुपीज़ का आप यहाँ से ना दुपट्टा ले सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो इस बार ना भैया के पास ना कुछ खास कलेक्शन
नहीं आए हुए थे। बस ये वाला एक दुपट्टा मुझे ऑर्गेन्जा फैब्रिक में अच्छा लगा था, मोस्टली इनके पास में वो डिजिटल प्रिंट में मसलिन का और क्रैप में ना इनके पास आया हुआ था दुपट्टा। बट कलेक्शन इस बार भैया के पास अच्छे नहीं थे। बट ऐसा नहीं है, भैया के पास जैसा भी कलेक्शन होता है वो हमेशा लेकर आते हैं जैसा उनको मिलता है, और वैसे इनके पास में एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिलेंगे, क्योंकि ये भी ना अपने दुपट्टों के लिए ही इस मार्केट में फेमस है। इस मार्केट में ना दो तीन भैया लोगों ने भी दुपट्टों का काम कर लिया है, उनके पास भी अच्छे अच्छे कलेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ उनके कलेक्शन शेयर किया है। भैया जिस गली के कॉर्नर पे खड़े होते हैं उसी गली के अंदर मैंने एंटर कर लिया है, उसी गली में ही आपको उबेश वाले भैया मिलेंगे और मन्नू भैया भी ना इसी गली के अंदर ही ना शॉप लगाते हैं। देखिए मैं अभी लोकेशन शेयर करने वाली, देखिए मैम खड़ी है ना यहाँ पर, तो यहीं पर ना मन्नू भैया अपनी शॉप लगाते हैं, ठीक है। ये तारिक भैया बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे खड़े रहते हैं, और इसी गली में जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं ये वाले भैया जो कि मेरठ से आते हैं, और ये सारा का सारा कलेक्शन ये लेकर आते हैं मेरठ से। अर्ली मॉर्निंग ही ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये सारा कलेक्शन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आपको जैसे कि 1500 का 1200 का यही कलेक्शन देखने को मिलेगा, जितने भी ये हैंग थे, ठीक है। अब मैं नीचे जो आपको दिखा रही हूँ ये सारा का सारा कलेक्शन आपको मिलने वाला है 350 का, 2.5 मीटर के सूट और सलवार का कपड़ा रहेगा, 2.25 मीटर का ना आपको दुपट्टे का कपड़ा मिल जाता है। ये देखिए प्योर कॉटन में था, बहुत खूबसूरत था ये वाला, और देखिए ये इसका ना दुपट्टा रहेगा, और जो सलवार का फैब्रिक है वो भी आपको ना प्योर कॉटन में मिलने वाला है। एक ये वाला आर्टिकल था इनके पास, अच्छा था, बहुत ही प्यारा था ये, ठीक है। इसमें भी आपको 3 पीस का ही रहेगा, देखिए ये इसका रहेगा दुपट्टा, ठीक है। और ये देखिए इसके जैसे कि सूट का जो बॉटम होगा ना उसमें ना इस टाइप की लेस आपको लगी हुई मिल जाती है। नेक पे देखिए इस टाइप पर टाई नॉट की पट्टी रहने वाली थी उसमें, और एक रहेगा ये कलर ऑप्शन, इसमें भी देखिए ये पट्टी मिल जाती है नेक पर आपको, ठीक है। नेक जो है ना इनकी जो नेक की लंबाई है वो ऑलरेडी बनी पड़ी है, और सूट के बॉटम में ना देखिए इस टाइप की लेस आपको ना इसमें मिल जाती है। फैब्रिक दोनों का सेम ही रहने वाला है, दुपट्टा रहेगा शिफोन का, और चारों तरफ आपको मिल जाती है लेस, ठीक है। एक कपड़ा ये वाला था, तो कलर ऑप्शन देखिए मैं आपको ना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ भैया के पास। ये देखिए यहाँ पे चंदेरी सिल्क में था ये भैया के पास, सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये में, 650 रुपये में इस बार भैया के पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे इस मार्केट में। तो इस गली के अंदर आएंगे ना तो ये भैया अच्छी खासी दुकान लगाते हैं अपनी, ये देखिए बहुत बड़ी सी है ये, और ये सारे के सारे इन्होंने आर्टिकल्स अपने ही हैंग कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पर जो आर्टिकल्स आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए ये वाले दिखाने वाली हूँ, और ये देखिए ये रहा भैया का खजाना पूरा भरा हुआ है। ये भैया की शॉप रहेगी, यहाँ पे भैया बदल बदल के आते हैं क्योंकि दो भैया होते हैं ना यहाँ पर, तो कभी छोटे भैया बैठ जाते हैं तो कभी इनके बड़े भाई, तो ये रहेंगे यहाँ पर। और ये नीचे जो मैं आपको कॉटन के सूट दिखा रही हूँ 350 रुपीज का रहेगा, 2.5 मीटर का ही रहने वाला है, ठीक है। और ये रहेगा इनका सारा फोन नंबर है, इन सभी भैया लोगों का ये फोन नंबर रहने वाला है, कोई क्वेरी वगैरह हो इनसे पूछ सकती हैं आप, या फिर गली अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ना इन्हीं भैया को कॉल करके पूछ सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे का सारा इनका ना रहने वाला है एड्रेस, मेरठ में इनका परमानेंट शॉप रहती है, ठीक है, न्यू दिल्ली कलेक्शन, ये रहेगा भैया की शॉप का नाम जो कि मेरठ में है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो सूट का कलेक्शन दिखा रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है 650 रुपीज का प्राइस पर, 650 इसका प्राइस रहेगा। दुपट्टा देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका दुपट्टा रहने वाला है, और इसमें ना लाइनिंग आपको मिल जाती है, आपको अलग से लेनी नहीं पड़ेगी जो, और जो लाइनिंग का जो फैब्रिक होगा और सलवार का जो फैब्रिक होगा ना वो सेंटून का रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये देखिए, और ये वाले कलेक्शन भैया दिखा रहे हैं कि ये आपको ना 750 के प्राइस पर मिलेगा यहाँ पर, और एक ये वाला कलेक्शन दिखा रहे हैं भैया कि ये वाला आपको 700 का मिलेगा, 750 का है मगर हम कोई अगर आपकी वीडियो देख कर आता है तो उनको हम ना 700 रुपीज़ तक का ना ये वाला कलेक्शन शेयर कर देंगे। फिर भैया ने ये भी कहा कि जो मैंने अभी आपको 750 का बताया था वो वाले भी 700 का हम कर देंगे, अगर कोई आके बताता है कि हम मार्केट विद झूमा वीडियो के थ्रू आए हैं, ठीक है जी। तो ये कलेक्शन रहने वाले हैं भैया के, ये भी सूट ना बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही इसकी शाइनिंग थी जो कि ये पार्टी वेयर के लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 700 रुपीज़ की रेंज पर। तो यहाँ पर ये भैया आते हैं, इनके पास आपको ऐसा नहीं कि 700 इससे महंगा वाला कलेक्शन भी इनके पास आपको मिल जाएगा, 1500 तक का इनके पास ना कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी में मिल जाता है, पैटर्न काफ़ी ज़्यादा होंगे और स्टार्टिंग रेंज वही रहेगी 300-350, जैसे कि कॉटन के सूट मैंने आपको दिखाया ना वो आपको इन भैया के पास से मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए भैया ने अब इसको ऊपर ही बिल्कुल हैंग कर दिया है, ठीक है। एक आर्टिकल था भैया के पास ये वाला, ये ना जैसा आपका मतलब सूट का फैब्रिक का कलर रहेगा और सेम सूट और सलवार का फैब्रिक बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पर ये था 600 रुपीज़ के रेंज पर, इसमें दुपट्टा भी मिलने वाला था। अब मैं बिल्कुल इस गली से बाहर निकल चुकी हूँ, और मैं बिल्कुल क्रॉस करते हुए सलीम बाबरजी वाली गली होती है ना उसी गली के बिल्कुल एंड पे जो कि स्कूल वाले रोड पर मैं
पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पर ना कोई 3 पेयर का ना सेट था सॉक्स का, जो कि आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज के प्राइस पर। वीडियो के एंड में ना मैं ये लोकेशन आपको दिखाने वाली हूँ कि आखिर मैंने कहाँ पर ये सारी वीडियो शूट की है। तो अब जितने भी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ सारा ना इसी गली का या फिर स्ट्रीट का ना रहने वाला है। 50 रुपीज का 3 पेयर सॉक्स मिल जाती है। ये देखिए वेलक्रो वाला जो ये शूज है ना, ये आपको यहाँ पर 200 रुपीज का मिलेगा, चाहे वो साइज कोई सा भी हो। आपका बच्चा अगर 8-9 साल का है उसका भी, और अगर आपका बच्चा 14-15 साल का है उसका भी। तो ये देखिए बड़ा साइज मैंने आपको दिखा दिया ना, तो आपको ये 200 रुपीज का मिलेगा क्योंकि ये वेलक्रो का है। और अगर आप इस टाइप का ये डोरी वाला जैसे कहते हैं लेस वाला लेते हैं ना आप, ये वाला का बड़ा साइज आपको 150 का मिलेगा जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और जो छोटा वाला साइज होगा ना लेसेस वाला, वो आपको 150 रुपीज के प्राइस पर ना मिल जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप के ये शूज वगैरह सेल आउट हो रहे थे, जैसे कि मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसी वाली गली को ना, शूज वाली गली या फिर इसे कहते हैं इंद्रलोक की शूज मार्केट, ठीक है। वेलक्रो का चाहे बड़ा साइज लीजिए या फिर छोटा ले लीजिए, वो आपको 200 का ही मिलेगा। और जो लेस वाला बड़ा साइज आपको मिलता है यहाँ पर 200 का, और छोटा वाला साइज मिलेगा 150 रुपीज के प्राइस पे। कलर आप कोई सा भी इनसे परचेजिंग कर सकती हैं। अब मैं जो आपको ये वाला शूज दिखा रही हूँ, ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है 200 रुपीज में, 200 का रहेगा। और जो ये वाला साइज आपको दिखा रही हूँ, ये काफी बड़े साइज का है, और भैया बता रहे थे ये ना ऑगी ब्रांड का रहने वाला है, और काफी अच्छा और टिकाऊ ये शूज है, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज के प्राइस पर, ठीक है। ये ऑगी वाला आपको 250 का मिलेगा, ये भी 250 का ही रहने वाला है, ठीक है। अब इस वाले टोकरी में जितने भी, या फिर आप जैसे कर्टन कह सकते हैं ना, कार्टर है, तो इसमें आपको सारा कलेक्शन 250 वाला ही मिलने वाला है। तो जितने भी आर्टिकल मैं उठाऊंगी ना इसमें से, ये आपको 250 का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ना लाइट वाला है, ठीक है, इसलिए ये 250 का रहने वाला है। ये भैया के कलेक्शन है, ये भैया की शॉप रहने वाली है। देखिए नंबर वगैरह सब ना उसमें मेंशन है, और इसी गली को कहते हैं इंद्रलोक की शूज मार्केट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ना इसी टाइप के कलेक्शन देखने को मिलेंगे पूरी की पूरी मार्केट में, ठीक है। ये देखिए ये वाले भी एक कलेक्शन रहेगा 150 का, ये भी 150 का आपको मिलने वाला है यहाँ पर। इनकी लाइटिंग ना थोड़ी खराब हो चुकी थी, इसीलिए ये 150 के प्राइस पर यहाँ पर सेल आउट हो रहा था। ये वाली स्लीपर्स जो कि 100 रुपीज का था, बड़े आराम से 12-13 साल के गर्ल्स को आ सकता है। और जो ये वाले मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपको वहाँ यहाँ पर मिलेंगे 150 रुपीज के प्राइस पर। ये सैंडल्स आपको 150 रुपीज के प्राइस पे मिलेगी बॉयज वाली, जो गर्ल्स की होगी वो 100 की थी। यहाँ पर जो कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ ये आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज के प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। ये वाला कलेक्शन आपको 100 का मिलेगा। बच्चों का ये वाला है ना, ये भी आपको 100 रुपीज का मिलने वाला है। जितने भी इस बॉक्सेस में जितने भी स्लीपर्स रखे हैं सब 100 का रहेगा, और ये मेल्स के लिए रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, यहाँ पे भैया ने बहुत गजब का मतलब धमाका सेल लगा रखा था, जो कि सिर्फ भैया को ही लगता है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगा। भैया कह रहे थे ये ना 1200 रुपये वाली सैंडल्स हैं, ये देखिए कोई कह सकता है ये 1200 रुपये वाली सैंडल्स है। ये 1200 रुपये की सैंडल भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना 200 रुपये में सेल आउट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ मैं आर्टिकल्स अभी आपको दिखाऊंगी बहुत गजब के थे, जो कि थोड़ा सा लगता भी है कि 1200 का तो नहीं, जैसे कि डॉक्टर सोल वाला भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सारे ये ना डिजाइनिंग रहने वाली है, और सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे 200 रुपये में। कुछ आर्टिकल्स तो देख के अच्छे भी लग रहे थे, ठीक है, और कुछ बिल्कुल वही सेम जैसे रिपीटेड होते हैं रहने वाले हैं यहाँ पर। तो पूरा का पूरा ढेर था, क्राउड बहुत ज़्यादा था एक भैया के पास, लोग ना टूट पड़े थे इस पर 200 रुपये में, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपको जो भी कलर दिख रहा है ना वो बिल्कुल वही कलर और वही साइज रहेगा, इनमें ना तो कोई साइज है और ना ही कोई कलर ऑप्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो पसंद आ रहा है उसी को परचेज करो और अपने घर आ जाओ, ठीक है। और जब भी इस टाइप के कुछ आर्टिकल्स आपको दिखे ना, तो वहीं पर अच्छे से पहनकर ही परचेजिंग करें। ऐसा नहीं मम्मी को ये वाला आने वाला है या मेरी बेटी को ये वाला आने वाला है, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि 200 का दे रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट डे ना आपके साथ बहुत ज़्यादा किचकिच करेंगे भैया। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप ना वो गलती बिल्कुल ना करें कि मम्मी को ये वाला आ जाएगा या बेटी को आ जाएगा, ठीक है। ये भैया का देखिए बोर्ड रहेगा यहाँ पर, और थोड़ी सी दूरी पर चलने पे फिर मिलते हैं ये वाले भैया, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ना 50 रुपीज़ में कोई सा भी आप चूज़ कर लीजिए। देखिए कलर ऑप्शन तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के प्राइस पर। ये वाला भी ना यहाँ पर 50 रुपीज़ का ही था, ठीक है। चाहे इसमें आपको दो कंगन मिल जाते हैं, कड़े मिल जाते हैं, या फिर चार चूड़ियाँ भी इस टाइप की ना मिल जाती हैं। कुछ तो इसमें ना राजस्थानी जिसे कहते हैं लाख की चूड़ियाँ, उस वाले डिज़ाइन में भी था। फिर अब मैं आ चुकी हूँ जहाँ पे सॉक्स सेल आउट हो रही थी उसी गली में, और यहाँ पर ना 50 रुपीज़ मीटर के हिसाब से ना ये फैब्रिक यहाँ पर सेल आउट हो रहा था। पना इनका जो कि नॉर्मल रहता है ना वही वाला रहेगा, डबल पना किसी का भी नहीं था, बट यहाँ पे ऑप्शन बहुत थे। या फिर आपको 2.5 मीटर फैब्रिक मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में,
ठीक है, ये देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर सेल आउट कर रहा था जो कि आवाज़ लगा रहा था, और भैया थे यहाँ पर, और सिर्फ आपको मिलेगा 50 रुपीज़ मीटर। देख लीजिए, आप पीछे भी देख लीजिए कितना सारा फैब्रिक पड़ा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के सेल पर। इन्हीं के पास है ये वाले भैया यहाँ पर इस टाइप के ना कालीन, ये भैया सेल आउट कर रहे थे, ठीक है ना, गलीचे इसे कहते हैं, भैया गलीचे ही बता रहे थे। 350 रुपीज़ के रेंज पर मिलेगा। इसकी साइज की बात करूँ तो ये ना भैया बता रहे थे ये 5x7, यानी कि 5x7 इसका जो है ना साइज रहने वाला है, ठीक है। और बैक साइड भी भैया ने दिखाया है कि वो भी ना काफ़ी अच्छे ना फिनिशिंग के साथ रहने वाला है। ये आपको मैं कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ मैं इसकी, ठीक है। भैया के पास ना कश्मीरी वाली जो कालीन होते हैं ना वो भी भैया के पास से मिल जाते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ये मैं आपको कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए। प्लीज़ वीडियोस में बहुत मेहनत के साथ बनाती हूँ और एक एक चीज़ को डिटेल से आपको दिखाती हूँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दूर से दिखाया और फिर हाँ यहाँ पर ये मिलता है या फिर यहाँ पर वो मिलता है, ठीक है। तो मैं डिटेलिंग के साथ आपको देखिए चीज़ें ना एक्सप्लोर करती हूँ, तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ना लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहें, ठीक है। ये देखिए ये कालीन ना आपको ना यहाँ पर मिलती रहेंगी, और ये भैया ही हैं सिर्फ इस गली में यहाँ पर। ये 1200 का था जो कि सेल आउट हो गया था, ठीक है। और भैया कह रहे थे ना कि ये ना चिनाब का रहने वाला है, ये देखिए इसका भी विड्थ और लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी रहने वाली है। अब भैया इसको ना थोड़ा सा पलट कर दिखाने वाले हैं, ये देखिए कि ये ना इस टाइप का रहेगा साइड से। और ये सारे कलेक्शन भैया के पास आपको मिल जाते हैं, भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी जी हाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिनाब का भी रहने वाला है भैया के पास, और कश्मीरी कालीन भी मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो कश्मीरी कालीन होगा ना वो आपको ना 2000 रुपीज़ या फिर 2000 रुपये के प्राइस पर मिलने वाला है। भैया का जो भी नंबर मैं शेयर कर रही हूँ, भैया ने कहा है कि सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल वगैरह आप बिल्कुल भी ना करें। तो ये देखिए भैया का ये फेस रहेगा, ठीक है ना। स्कूल वाले रोड पे आप जैसे ही आ जाएंगे ना तो ये भैया आपको यहाँ पर ना मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं इनका लोकेशन आपके साथ देखिए शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर कि भैया कहाँ पर है, बट मैं आपको ना एक सूट वाले भैया का भी कलेक्शन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको लोकेशन अच्छे से इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं ये सारा वीडियो कहाँ पर शूट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहने वाले हैं वही सूट वाले भैया जिनकी बात मैं अभी कर रही थी, ठीक है। 250 रुपीज़ के प्राइस पर ना भैया यहाँ पर इस टाइप का आर्टिकल सेल आउट कर रहे थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुर्ते का फैब्रिक रहेगा इसमें, ये नेक पीसेज इसमें ना ये वाला पैटर्न यहाँ पर लगा रहेगा इसमें, और ये वाला वाइट वाला था। यहाँ पर कलर ऑप्शन काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, बस इसमें ये था ना ये ना सेमी स्टिचेस था, इसमें किसी किसी में आपको बॉटम मिल रहा था, सबके साथ बॉटम नहीं था और किसी किसी के साथ दुपट्टा था, ठीक है। तो इस टाइप का ये आर्टिकल था, प्योर कॉटन का, बिल्कुल बहुत अच्छा वाला कॉटन जिसे कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत। और ये सारे के सारे ब्रांड के रहने वाले थे जो कि भैया ने इनके स्टिकर ना कट कर दिए थे। ये देखिए एक ये वाला आर्टिकल रहेगा, देखिए यह पैटर्न देख लीजिए कितना बढ़िया रहने वाला है, और ये रहने वाले इसके स्लीव्स, और ये देखिए स्लीव्स पे भी इस टाइप का ना आपको डिज़ाइन मिल जाती है, ठीक है। सेमी स्टिचेज ये रहने वाला है दोनों तरफ, जैसे आपको ना स्लीव्स मिल जाती हैं और फ्रंट और बैक का फैब्रिक इसमें मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ के प्राइस पे। कलर ऑप्शन बहुत अच्छा था, ये वाला तो बहुत ही प्यारा कलर था, और इसके साथ तो पता है बॉटम भी था और इवन इसके साथ दुपट्टा भी ना रहने वाला था सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ के प्राइस पर। ये देखिए इसमें इस टाइप का ये चिकनकारी के लेस टाइप में ना फैब्रिक भी लगा हुआ था, प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़। एक आर्टिकल ये वाला था, ये देखिए इसमें देखिए सलवार का जिसे कहते हैं ना बॉटम का फैब्रिक भी रहने वाला है। तो इस टाइप के आर्टिकल्स थे भैया के पास, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस टाइप के ना देखिए ये वाला स्पोर्ट फैब्रिक में ना भैया के पास ना ये इस टाइप के लोअर वगैरह सेल आउट हो रहे थे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। स्पोर्ट्स फैब्रिक भी था इनके पास और लाइक्रा वाले फैब्रिक में भी था, कॉटन में भी इनके पास ना रहने वाला था। पैंट प्लाजो चाहिए था तो इनके पास पैंट प्लाजो भी था, और ये देखिए हॉजरी वाले में बिल्कुल स्ट्रेचेबल, ये देखिए भैया यहाँ पर ब्रांड का वो दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल था, सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा था यहाँ पर 200 रुपीज़ के प्राइस पर। और ये इस टाइप की डिज़ाइनर वाली जैसे कहते हैं ना, ये भी यहाँ पर ना पैंट प्लाजो भैया के पास मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ 150 का। जो सलवार का फैब्रिक दिखाया था ना कपड़ा था वो रहने वाला था 200 का, अदरवाइज ये सारे आपको 150 के प्राइस में मिलेंगे। और ये देखिए डॉक्टर साहब का बोर्ड दिखाया मैंने, इन्हीं के पास थे ये वाले भैया। और यहाँ पर ना ये वाले इयररिंग्स यहाँ पर सेल आउट हो रहे थे, ढेर देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको आराम से बैठ कर ना यहाँ पर छाटना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। ये देखिए जो मैंने अभी आपको जितने भी आर्टिकल्स उठा रहे हैं ना, कुछ भी मतलब छाटना पड़ेगा, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन इनके अंदर रहने वाली है और आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। देखिए कितने बड़े साइज़ का रहने वाला है, बीट्स वाला वर्क है इसमें,
ये सारा का सारा कलेक्शन सिर्फ यहाँ पर ना 20 रुपए के सेल पर मिल रहा था, वो भी क्राउड था यहाँ पर काफी ज्यादा। जहाँ पर कुछ क्राउड हो ना या भीड़ हो तो आप समझ जाइए कि वहीं पर ना चीजें अच्छी मिल रही है या फिर सस्ती मिल रही है, और मजबूत और टिकाऊ थी, ऐसा नहीं था कि ये बेकार था। फिर भी आप जब कभी भी आए तो अपना इत्मीनान से आराम से उसको चेक करके ही परचेज करेंगे। देखिए 20 रुपए का इतना बड़ा आर्टिकल यहाँ पर मिल रहा था, इतना खूबसूरत पीस था ये, ठीक है। और इस टाइप के नेक पीसेस भी थे यहाँ पर भैया के पास, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज के प्राइस पे। और इस टाइप की जैसे कहते हैं हैवी वाले इयरिंग्स भी थी भैया के पास यहाँ पर। ये देखिए 30 रुपीज़ का रहेगा, जो कि डिटेल के साथ आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये 30 का मिलेगा, इसमें आपको स्टोन वाली मिल जाती है, इस टाइप की स्टोन और बीड्स के और डिज़ाइन में भी ना मिल जाता है। अब मैं आपको इयरिंग्स दिखाऊंगी। ये जो आप इयरिंग्स देख रहे हैं ना, ये भैया यहाँ पर 100 का दे रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा 100 रुपीज़ का, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स तो ये 20 में दे रहे थे, और ये वाला फिर भी 100 रुपीज़ का लग रहा था, बट पहले वाला तो बिल्कुल भी नहीं। बट ये 50 रुपीज़ तक के ना बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में ये रहने वाले थे। तो 20 रुपये का ये रहेंगे इयरिंग्स, यहाँ पर बहुत सारा ढेर है भैया के पास, ठीक है। तो जब कभी आए तो आप यहाँ पर एक चक्कर लगा सकती हैं, या फिर अगर आपने बिल्कुल सलीम बावर्ची वाली गली के एंड में आ जाइए तो आपको ना यहाँ पर ये भैया मिल जाते हैं। जितने भी कलेक्शन है ना, ये सारा इसी गली का ही ना रहने वाला है, ठीक है। और सलीम बावर्ची वाली की गली की जो एंडिंग होती है ना, वो शूज मार्केट में ही होती है। इस गली के एंड का व्यू कुछ इस टाइप का रहेगा, और ये सलीम बावर्ची वाली गली रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये इस टाइप के टेलर रहने वाले हैं और ज्वेलर्स आपको मिलेंगे, और ये सामने वाली गली को ही बोलते हैं इंद्रलोक की शूज मार्केट। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।